संतोष वेलकम टू दिस इंटरव्यू. ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और आप अपने एजुकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में अपने शब्दों में बताइए. ठीक है सर. मेरा नाम संतोष, मैं हासन से आया. मैं आईटीआई कंप्लीट किया और उसके बाद में एक साल बैंगलोर में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी किया और उसके बाद में कैना मेटल इंडिया प्राइवेटेड विडिया में एक साल सात महीने काम किया. उधर उसके बाद में इंडियन द न्यू इंडियन एक्सप्रेस उधर असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन का काम किया और उसके बाद में वीआरएल मीडिया लिमिटेड उधर असिस्टेंट उधर भी टेक्नीशियन का काम किया और उसके बाद में आईबीएम में मेंटेनेंस काम किया और उसके बाद में अभी मैं अमेजॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उधर मल्टी टेक्नीशियन का काम कर रहा है. उधर दोनों में एसी और इलेक्ट्रिकल दोनों का मेंटेनेंस कर रहा है. और टोटल मेरा एक्सपीरियंस 4 साल था और मैं गल्फ कंट्री में किधर भी काम करने के लिए इंटरेस्ट था. मोटर्स जनरेटर्स और ट्रांसफार्मर्स के बारे में आप क्या जानते हैं? मोटर में पहले दो टाइप्स आता है, एक डीसी मोटर और एक एसी मोटर. डीसी मोटर में सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, कम्युनिटी कंपाउंड मोटर, ऐसे अलग अलग मोटर्स आता है. और एसी मोटर में सिंक्रोनाइजेशन मोटर, इंडक्शन मोटर और स्क्वायरल केज में इंडक्शन मोटर, कैपेसिटिव मोटर, कैपेसिटिव स्टार्ट मोटर, कैपेसिटिव रन मोटर, इतना अलग अलग मोटर्स आता है. जनरेटर में आएगा तो जनरेटर में पहले मेन पार्ट में बोलता था पार्ट्स, मतलब रेडिएटर आता है, इंजन आता है और अल्टरनेटर आता है, फिल्टर्स आता है, फ्यूल फिल्टर और डीजल फिल्टर और एयर फिल्टर और इतना फिल्टर्स आता है. और उसके बाद में बैटरीज आता है, बैटरी, प्राइम मूवर्स और साइलेंसर, ऐसे अलग अलग पार्ट्स अगर उसका पार्ट्स आता है. मैं उसका जनरेटर में मैं 150 केवीए और 500 केवीए और 750 केवीए ये तीनों कैपेसिटी का जनरेटर्स में मेंटेन किया और किर्लोस्कर और कुमिंस ये दोनों जनरेटर का मेंटेनेंस में किया. और ट्रांसफार्मर में आएंगे तो ट्रांसफार्मर में अलग अलग टाइप्स आता है, कोर का टाइप्स आता है और फेस का टाइप्स आता है और कूलिंग का टाइप्स आता है और टाइप्स ऑफ यूजिंग आता है. कोर में पहले कोर टाइप आता है और शेल टाइप आता है और कूलिंग में एयर कूलिंग और वाटर कूलिंग और फैन कूलिंग, ऐसे कूलिंग में डिफरेंस आता है. और फेस में 3 फेस और सिंगल फेस, इतना ट्रांसफार्मर आता है. और उसके बाद में स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इतना ट्रांसफार्मर आता है ट्रांसफार्मर. पैनल वायरिंग में आपने क्या क्या काम किया है? पैनल वायरिंग में मैं पहले कैना मेटल इंडिया प्राइवेटेड में वीएमसी मशीन का वायरिंग काम किया. उधर पैनल बोर्ड्स था प्रिपेयर करता है, उधर ड्राइव्स और रेजिस्टिव बोर्ड्स और रिले बोर्ड्स और कॉन्ट्रैक्टर्स और क्या ऑयलर ओवरलोड रिलेस और कनेक्टर्स, इतना पहले वो एक पैनल को फिक्स करके प्रिपेयर करके उसको रेडिंग देख के पैनल वायरिंग कर दिया. और पैनल वायरिंग को वीएमसी मशीन को अटैच करके इंस्टॉल करके बाद में वो पैनल से फुल मशीन को मोटर, सोलेनाइड्स और प्रेशर स्विचेस और लिमिट स्विचेस और लाइटिंग्स, इतना अलग अलग पार्ट्स को वो पैनल से हम वायरिंग किया. वायरिंग का काम में पता है, पैनल वायरिंग का काम में पता है. ड्राइंग के बारे में क्या जानते हो आप और कलर कोड्स एंड सिंबल्स के बारे में क्या जानते हो? ड्राइंग का पहले 5 कलर आता है इलेक्ट्रिकल में, एक आर फेस, वाई फेस, बी फेस, ये दो तीनों फेस का कलर आता है और न्यूट्रल ब्लैक कलर यूज कर सकता है करता है और ग्रीन कलर और येलो और ग्रीन दोनों यूज करता है और अर्थिंग को ये 5 कलर मेन यूज करता है. बाद में कंट्रोल वायरिंग में कंट्रोल वायर आता है ना, उसमें अलग अलग कलर भी आता है, छोटा छोटा वायर्स आता है, उसका कलर पिंक भी, व्हाइट, ग्रीन, ब्राउन, इतना अलग अलग कलर कोडिंग में पता है. उसको रीडिंग देख के और कलर कोडिंग देख के मैं वायरिंग कर सकता हूँ. सिंबल्स के बारे में मेरे को ब्रेकर का पता, ब्रेकर का और ट्रांसफार्मर का और कैपेसिटर का और इंडक्टर का और स्विचेस का, स्विचेस मतलब सिंगल पोल स्विचेस, डबल पोल स्विचेस. व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स?
मैं हार्ड वर्किंग और फिजिकली स्ट्रेंथ है और फिजिकली हेल्दी है और मेरे को मेरा काम में काम करने के लिए इलेक्ट्रिकल काम में काम करने के लिए मेरे को इंटरेस्ट था और काम करके करके अलग अलग कंपनी में मैं सीख रहा हूँ और इंटरेस्ट इंटरनेट पे भी मैं डाउनलोड करके सीखता हूँ और काम करके करके मैं सीखता हूँ सर। गल्फ कंट्री में मेरे को काम करने के लिए इंटरेस्ट था सर।